सीएनजी आप ऑब्वियसली इसलिए लेंगे बिकॉज आपकी रनिंग ज़्यादा है और आपको कम कॉस्ट में ज़्यादा किलोमीटर गाड़ी चलानी है। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला ब्लाइंड स्पॉट थोड़ा बन रहा है, बट ठीक है, उससे कोई ऐसी इशू नहीं है। तो आप देख सकते हो थर्ड गियर पे, ये देखो मैंने रेस पे से भी पैर हटा दिया है, टॉर्क सफिशिएंट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं बैठा हूँ 2022 ग्रैंड आई10 नियोस्ट के मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट स्पोर्ट्स, और ये कंपनी फिटेड सीएनजी वाला वेरिएंट है। सो डिटेल में आज इसके सारे स्पेसिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। जो भी कोई इन द ईयर 2022 एक सीएनजी कार लेने का प्लान कर रहा है, लाइक इसके कंपटीटर्स की बात करें तो टाटा टियागो, स्विफ्ट, इन सबसे कंपेयर करी जाती है। सो ये 1.2 लीटर का इंजन कैसी पावर प्रोड्यूस करता है, ओवरऑल इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट गाइस, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं आपको बाहर से कार दिखा देता हूँ, और रियर का अगर मैं आपको सीएनजी टैंक दिखाऊँ इसका, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी फिटेड सीएनजी टैंक है। और उसके बाद बूट देखोगे ना, तो आपको सिर्फ पार्सल ट्रे पर थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है, और यहाँ पर आप रख सकते हो बाकी सीएनजी के बाद इसमें कुछ बूट स्पेस नहीं बचती है। सो चलते हैं, अब चला कर देखते हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं करा जाता है। सो गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है, केबिन में बिल्कुल भी नॉइस नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं इसके इनिशियल पिकअप से। तो गाइस सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगा, इंजन इतना रिफाइंड है ना, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगता, केबिन में नॉइस तो बिल्कुल भी नहीं आता। दूसरी चीज, सीएनजी गाड़ी, मतलब अगर मैं आपको बताऊं नहीं और ये मैं गाड़ी आपको चलाने को दूं, तो आप बिल्कुल भी पता नहीं कर सकते हो कि ये सीएनजी व्हीकल है। बिल्कुल भी पिकअप में डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं और आपको नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट से कंपेयर करके दिखाऊं, तो 1.2 लीटर का सेम मिलता है कप्पा इंजन, जो कि अराउंड सीएनजी में देखा जाए तो 68 बीएचपी की पावर प्रोड्यूस करता है, 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बट अगर आप नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट लेते हो तो वो प्रोड्यूस करता है अराउंड 82 बीएचपी की पावर एंड 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो कहीं ना कहीं 12 bhp का डिफरेंस आ रहा है, 12 से 14 bhp का डिफरेंस। तो पावर, मतलब हालांकि आपको इसमें कमी मिलने वाली एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल इंजन, बट पेट्रोल का जो माइलेज क्लेम्ड है वो है अराउंड, पहले यहाँ से यूटर्न ले लेते हैं बिकॉज हम हाईवे पर चलने वाले। तो पेट्रोल का कंपनी माइलेज क्लेम करती है 20, बट इसका आपको माइलेज मिलने वाला है 25 से 26 हाईवेज पर, और सिटीज में आपको 23-24 ईजिली देगी। तो गाइस पिकअप काफी तगड़ा है यार, मजा आता है इसको चलाने में। एक चीज बताना चाहूंगा, ह्युंडई के जो स्टेयरिंग्स है ना, पहले से ही काफी लाइट आते हैं। अगर आप मारुति से कंपेयर करोगे ना, मारुति सुजुकी से, तो इसके जो इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग है ना, बहुत ही लाइट है। आप देख सकते हो, मतलब जैसे हाई स्पीड होती जाती है तो थोड़े हार्ड होते जाते हैं, बट अगर आप इनिशियल स्टेज पर देखोगे ना तो स्मूथ रहते हैं। इसके सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में मैकफर्सन मिलता है, रियर में टॉर्सन बीम। तो सस्पेंशन तो मैकफर्सन पहले से ही ट्रस्टेड रहे हैं, तो उससे रिलेटेड तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जो भी कोई इन द ईयर 2022 एक कार लेने का प्लान कर रहे हैं, सीएनजी आप ऑब्वियसली इसलिए लेंगे बिकॉज आपकी रनिंग ज़्यादा है और आपको कम कॉस्ट में ज़्यादा किलोमीटर गाड़ी चलानी है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे कि सस्पेंशन तो आप देख सकते हो अंदर बिल्कुल भी मुझे बम्स फील नहीं हो रहे। हिंडई ग्रैंड आई10 नियोस में आपको बहुत से वेरियंट्स मिल जाते हैं, पेट्रोल, डीजल एज वेल एज सीएनजी में अवेलेबल है। सीएनजी में बाकी आपको दो ही ऑप्शंस मिलते हैं, मैग्ना एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बिकॉज इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स नॉर्मल वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस की बात करें तो वो है 6,60,000 रुपीज, एंड ऑन रोड अराउंड 7,60,000 की जाती है, मतलब 1 लाख रुपीज, 7,60,000 रुपीज का नॉर्मल स्पोर्ट्स वेरिएंट ऑन रोड जाता है। बट अगर आप सीएनजी वेरिएंट पे देखोगे ना, तो जितने का स्पोर्ट्स वेरिएंट ऑन रोड आ रहा है उतने की सीएनजी वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस है, मतलब ये आपको 7,60,000 रुपीज का एक्स शोरूम है, ऑन रोड अराउंड 8,68,000 जाता है, मतलब 1,00,000 से 1,15,000 कंपनी आपसे सीएनजी का चार्ज कर रही है। बट बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि यार आफ्टर मार्केट हम फिट करवा लें, बट मैं एक ही चीज बोलूंगा, कंपनी फिटेड लो, एक बार पैसे इन्वेस्ट करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। पिकअप इसका काफी बेटर रहने वाला है, एंड रिफाइनमेंट जो मिलेगी ना आपको कंपनी फिटेड के अलावा नहीं मिलने वाली है। पिकअप आप देख सकते हो, मतलब अगर मैं 4,000-5,000 आरपीएम तक भी जाता हूँ ना, तो केबिन में नॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रहा। सीएनजी गाड़ी है, आपको ऐसा बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। मीटर पे भी देखोगे तो लेफ्ट में आपको सीएनजी वाला शो करता है, राइट में फ्यूल वाला। फिफ्थ गियर पर डाल लेते हैं, लो स्पीड में मैं फिफ्थ गियर पर डाल रहा हूँ, और अभी थोड़ी उठा के देखते हैं। सो नॉकिंग जैसा कोई भी इशू नहीं है।
स्टेयरिंग आप देख सकते हो कितना रिस्पॉन्सिव है। अगर आज की तारीख में देखें 2022 में, तो जैसा कि मैंने बताया सीएनजी वेरिएंट आपको 8,60,000 रुपए का जा रहा है, बट इतनी प्राइस में आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं। मतलब 8-8.5 लाख की प्राइस रेंज में देखा जाए तो आपको नई वाली बलिनो मिल जाएगी, हालांकि वो सीएनजी वेरिएंट के साथ नहीं आती। टियागो आपके पास ऑप्शन है, तो ह्यूंडई की गाड़ी क्यों लेना चाहिए? तो मैं ये बोलूंगा ह्यूंडई और मारुति जो है ना, उसके 2-3 प्लस पॉइंट है। एक तो लो मेंटेनेंस कार है, रिफाइनमेंट के मामले में इसका कोई भी तोड़ नहीं, और इन फ्यूचर रीसेलिंग आपको ह्यूंडई और मारुति दोनों में ही काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। जो मैंने आपको अभी कलर दिखाया बाहर से सिल्वर कलर बढ़िया लगता है। दूसरी चीज़, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लुक आता है इसमें, अगर आपने देखा होगा बाहर से DRLs वगैरह के साथ एक एरोडायनामिक डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लुक इसका प्रोवाइड करती है। AC वेंट्स की भी डिज़ाइन आप देख सकते हो। IRVM की बात करें तो नॉर्मल डे नाइट फीचर के साथ मिल जाता है। ORVM का भी व्यू देख सकते हो। ORVM की जो साइज है ना बड़ी है, तो उससे आपको रियर का व्यू भी अच्छा मिल रहा है, एंड ये आपको टिल स्टेयरिंग के साथ ही मिलता है। बट 80-100 गाड़ी में बिल्कुल भी फील नहीं होती। 80 तो मतलब बहुत ही नॉर्मल है, अगर आप डेली रनिंग कर रहे हो 80-100 किलोमीटर्स, तो आपको ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहने वाली है, बिकॉज माइलेज आपको बहुत अच्छा निकालने वाली है। यहाँ से ले लेते हैं यूटर्न। टर्निंग रेडियस की भी बात कर लेते हैं। सो गाइस देख सकते हो कितने इजीली, मतलब मैं चाहूँ तो उंगली से भी घुमा सकता हूँ, बट बहुत लाइट स्टेयरिंग व्हील है, एंड ऑटोमेटिक सीधा भी हो जाता है। तो गाइस CNG के हिसाब से बहुत बढ़िया पावर है। 80 के बाद आपका हाई स्पीड वार्निंग अलर्ट आ जाता है, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट पर डाल दो तो बहुत बढ़िया कूल कर देती गाड़ी, बिकॉज ब्लोअर स्पीड बढ़ जाएगी, थोड़ा एयर का नॉइस आएगा, इसलिए मैंने ऑटोमेटिक पर अभी नहीं डाला था। आप देख सकते हो स्पीड काफ़ी बढ़ गई है इसकी। इसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट भी आपको स्पोर्ट वेरिएंट से ही प्रोवाइड कराया है। इसकी सीट हाइट यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, आप देख सकते हो, तो मेरे को बोनेट का व्यू भी बहुत बढ़िया विजिबल रहने वाला है। 60 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको इसमें आता है, एंड बूट स्पेस है 260 लीटर्स की, जो कि मैं बताऊंगा 260 लीटर कम है, एंड जैसा कि CNG किट लगने के बाद तो आप देख ही सकते हो, मतलब ऐसे कोई भी स्पेस नहीं रहने वाली है। तो आप फैमिली पर्पज़ के हिसाब से कार लेना चाहते हो, जिनका मतलब 5 लोगों का कहीं टूर भी होता है, आपका लगेज भी आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा। आप अगर एक अकेले वर्किंग मैन हो, ऑफिस जाने के पर्पज़ से लेना चाहते हो कि डेली आप अकेले को ही या 2 लोगों को रन करना है, नॉर्मल आपका जो स्टफ है रियर सीट्स पे आ सकता है, तो आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। देन रिफाइनमेंट के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, स्मूथ चलती गाड़ी। और आप में से कोई भी सोच रहा होगा कि CNG में आपको पावर का मज़ा नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। देखो सफिशियंट पावर है, और ज़्यादा पावर चाहिए तो आप पेट्रोल वेरिएंट के लिए जा सकते हो, जैसा कि मैंने बताया 82 BHP की पावर है। बट अगर आपको उससे भी ज़्यादा पावर के साथ टॉर्क का मज़ा लेना है, तो जैसा कि मैंने बताया ह्यूंडई आपको डीजल वेरिएंट्स भी ऑफर करता है, तो इसमें जहां आपको सिर्फ 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है ना, तो डीजल इंजन में आपको सीधे 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और टॉर्क बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है डीजल इंजन में। तीनों इंजन ह्यूंडई के रिफाइंड है। और अगर हम नियोस की बात करें ना, तो ये ह्यूंडई कंपनी की सेकेंड मोस्ट अफोर्डेबल कार है। सेंट्रो की बात करें तो सेंट्रो तो 1000 CC में आती है, जो कि मतलब बहुत ही बेसिक हो जाती है सेलेरियो एंड बाकी छोटी 1000 CC की कार से कंपेयर करी जाती है। बट 1.2 लीटर में इंडियन मार्केट काफ़ी कैप्चर्ड है। अगर आप देखोगे ना, तो मेन किसी को कार लेनी है तो 1.2 लीटर के लिए जाता है। सफिशियंट पावर, अच्छा माइलेज, तो इसके बहुत से कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं, बट CNG फिटेड में इसका बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। मैं इस पर आपके लिए ओनरशिप रिव्यू भी लाने की कोशिश करूँगा, बट एक बार हम थोड़ा अंदर कॉलोनी में भी चला कर देखते हैं कि इसकी मतलब कैसा क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है, कॉलोनी में चलाने में कैसी रहती है। सिटी तो अभी मैं जा नहीं पाऊँगा। तो गाइस टर्न लेते टाइम मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मेरे को ये ब्लाइंड स्पॉट बना, तो ये जो एरिया है ना, ये वाला ब्लाइंड स्पॉट थोड़ा बन रहा है, बट ठीक है, उससे कोई ऐसी इशू नहीं है। न्यू लर्नर्स को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट सिटी में चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। यहाँ से भी निकाल लिए इजीली, सिटी में चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। हॉर्न इसमें सिंगल टोन ही मिलता है, जैसे कि आपको पता है क्रेटा और इसमें ड्यूअल टोन आते हैं, तो उसी का एक सिंगल हाई टोन वाला इसमें आपको हॉर्न मिल जाता है। मेरा ओपिनियन यही है, CNG वेरिएंट के लिए अगर लेना चाहते हो तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। और ओवरऑल मैंने सारे स्पेसिफिकेशन आपके साथ शेयर कर दिए, आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। और एक और चीज़ बता देता हूँ, देखो थर्ड गियर पर मैं डाल रहा हूँ, एंड अब यहाँ से टर्न लेंगे, स्पीड बहुत ही कम है मेरी, तो आप देख सकते हो थर्ड गियर पर, ये देखो मैंने रेस पे से भी पैर हटा दिया है, टॉर्क सफिशियंट है। तीसरे गियर में भी विदाउट रेस चल रही है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ मुझे लगी। देख सकते हो मतलब CNG गाड़ी है, तो कोई ऐसा ना समझे कि लैक ऑफ पावर है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है, सफिशियंट पावर आपको इसमें मिलने वाली है।
करते हैं वीडियो का एंड। ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, बाकी कुछ भी डाउट अगर आपको बचता है मन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।